असान नाजरी कराम, आज 16 दिसंबर है जी। इस लिहाज से स्कूते मशरकी पाकिस्तान का दिन है, स्कूते ढाका का दिन है, जिसको बहुत अहमियत दी जाती है हमारे यहाँ। भूल चुके थे हम जी, आर्मी पब्लिक स्कूल पर भी इसी दिन हमला हुआ था, वो भी बहुत एक हौलनाक वाकया है, लेकिन हमने देखा था कि सरकारी सतह पर कई साल तक सिर्फ उस दिन को मनाया जाता रहा और मशरकी पाकिस्तान को हम तकरीबन भूल चुके थे कि वहाँ क्या हुआ था, तजिया नहीं करते थे। हम तकरीरें तो कर देते हैं, खिताबत तो दिखाते हैं, जोश तो दिखा देते हैं, क्या जुल्म हुआ ये भी बता देते हैं, क्या गलतियां हुई हमारी उसका मुहासबा भी कर देते हैं, लेकिन हम सही तौर पर यह नहीं तय कर पाते कि इस दिन के हवाले से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या खराबियां पैदा हुई, क्या हुआ। ये मसला वो है जिस पर हम तो बाद में बात करेंगे। पहली बात जो एक सियासी तौर पर हमें देखनी है वो आज की वो सूरत हाल है जो कल पैदा हुई। ऐसे लग रहा था कि इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं, क्योंकि लाहौर के हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था कि जो आरोस वगैरह हैं जो तकरर किया इलेक्शन के अमले का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने, वो इलीगल है, और इलेक्शन कमीशन ने लोगों की तरबियत ट्रेनिंग वो रोक दी थी। गोया इलेक्शन को जो शेड्यूल अनाउंस होने की तारीख थी वो कल गुजरी जा रही थी, मतलब ये था कि इलेक्शन ड्यू तारीख पे नहीं होंगे, 8 फरवरी को नहीं होंगे। उधर चीफ जस्टिस साहब कह चुके थे, काजी फाजी साहब, कि 8 फरवरी को आप पत्थर की लकीर समझे, तो लोगों ने कहा ये उनका इम्तहान है, ये क्या है, क्या हो रहा है। कल तक तो ये लग रहा था कि इंतखाबात शायद नहीं हो गए, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, अदलिया को अदलिया ही के अंदर से गोया सबोताज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त पर यह फैसला हुआ था, तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे थे कि भाई हमारा ये मकसद नहीं था, कुछ लोग कह रहे थे नहीं भाई देखिए देखिए ये तो नहीं था कि इलेक्शन पोस्टपोन करें, लेकिन ये मकसद तो यकीनी है कि अमला अगर आप एग्जेक्टिव से लेंगे तो हमें उसका कोई एतबार नहीं आएगा। दूसरे लोग कह रहे थे 18 को आपको एतबार आ गया था, सन 18 में जो अमला इनसे लिया गया था उस पर आपने शिकायत नहीं की और आप जीत गए थे, और अदलिया से अमला लेने की बात है तो 13 को जब अदलिया से अमला लिया गया तो उस वक्त आप धरना दे के बैठ गए थे। हमारे यहाँ ये होता रहा है, जब फौज को कहते हैं लें कि फौज निगरानी करे, जब फौज निगरानी करती तो हम कहते हैं जी फौज को आइंदा से ना बैठाएं आप, कम से कम वो अंदर ना हो वरना वो गड़बड़ करेगी। हर अदारे के बारे में हम मशकूक हो जाते हैं, और शायद सही होते होंगे या गलत होते होंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। कल यही लग रहा था, और हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब जो इस्लामाबाद में थे वापस आए, उन्होंने एक बेंच फुल बेंच तश्कील दे दिया उसी जज की सरबराही में जिन्होंने ये फैसला किया था। कल शाम को खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट खुल गया है या खुलने वाला है, चीफ जस्टिस साहब और सीनियर जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया है, कुछ और लोगों को रेलिवेंट लोगों को बुलाया है, वो बातचीत कर रहे हैं, और ये तय हुआ है। जाहिर है वो सुओ मोटो नहीं ले सकते थे, उन्होंने कहा था कि सुओ मोटो अगर हाई कोर्ट में मुकदमा हो तो सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए, लिख चुके थे वो एक फैसला जो उमर अता बंदयाल ने किया था उसके हवाले से, वो क्या करते। चुनाचे इलेक्शन कमीशन ने पटिशन दायर की और उन्होंने उसकी हेयरिंग की, और हेयरिंग के बाद उन्होंने कुछ स्वस्थ रिमार्क्स भी पास किए, बस इसके रिमार्क के जज मिसकंडक्ट के जुमने में नहीं आता कि आपने चीफ जस्टिस के खिलाफ बात कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं अमला नहीं दे सकता, तो फिर वो कैसे उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। और हाँ, इलेक्शन कमीशन ने भी क्यों तरबियत देने ट्रेनिंग देने से तो नहीं रोका था, वो क्यों रोक दिया उन्होंने। बहरहाल खुलासा ये कि उन्होंने आखिर में तय कर लिया कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, इलेक्शन कमीशन जाके फैसला करे, और वो साहब जिन्होंने दरख्वास्त दी थी लाहौर में उनको जरा कंटेम्प्ट में बुला लो। कंटेम्प्ट वगैरह तो खैर क्या होनी है, लेकिन ये है कि ये बता मैंने कि मिसकंडक्ट तो उन्होंने जज का कहा था, जज के मिसकंडक्ट को इस तरह तो नहीं ले सकते कि जज जो फैसला करे उस पर तो पकड़ नहीं हो सकती, उसको मिसकंडक्ट साबित करने या करने के लिए उन्हें पता नहीं क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले उसको पकड़ो फिर देखते हैं क्या होता है। पहले आज सिर्फ हम इस सिचुएशन पे बात करेंगे, दूसरा सेगमेंट अलग से होगा जिसमें हम मशरकी पाकिस्तान के सहने पर और आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकयात पर गुफ्तगू करेंगे। सलमान आबद साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, ये दोनों सेगमेंट में हमारे साथ रहेंगे, और हमारे साथ मिस्टर जंगीर जदून साहब और आरफ चौधरी साहब हैं। ये पहले सेगमेंट में हम तीनों हजरात जो है हमारी रहनुमाई करेंगे, हमें बताएंगे कल क्या हुआ। जदून साहब सलाम अलैकुम जी, कल क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ये वाले साहब देखें कल की कार्रवाई तो लाइव है, सबके सामने है। जी जी वो तो चलिए देखें 8 फरवरी का जो डेट सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट के दरमियान में कंसल्टेशन हुई थी तो उसमें एक किस्म की सुप्रीम कोर्ट ने मोर लगा दी थी कि हम डेट नहीं दे रहे, आप जो ड्यू प्रोसेस है इलेक्शन की डेट का वो कंप्लीट करें। पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं मान रहा था और ना ही प्रेसिडेंट ने डेट दी थी, एक कह रहा था कि दूसरे काम है। हमने तो बेशुमार टीवी चैनलों पर यही कहा था जी कि आइन के अंदर प्रेसिडेंट का काम है डेट देनी, ठीक है। बहरहाल एनीवे डेट आ गई तो उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको पत्थर पे लकीर समझे। अगर कोई बंदा इसको किसी भी प्रीटेक्स में, उन्होंने ये भी लिखा था इसको आगे पीछे करने की कोशिश करोगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी टीवी पे बात नहीं करनी, अपनी बीवी से घर में जाके बात करें अगर इलेक्शन को मुलतवी करना है। टीवी पर नहीं, बीवी से। जी 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 टीवी से नहीं, बीवी से। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू। अब उसमें उन्होंने कल जो है उनकी क्योंकि छुट्टियां थी, वो आगे 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे थे और एक्टिंग चीफ जस्टिस ने भी सुबह हलफ लेना था तो ये चीजें बड़ी इमरजेंसी में फिर उनको, अगर वो कल इस मैटर को टेकअप न करते या इलेक्शन कमीशन जो है वो अपील फाइल न करता तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल था 8 तारीख का इलेक्शन। और बाज जो कुवतें थी इलेक्शन को डिले करने के लिए या वो नहीं चाहती थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो वो इसमें कामयाब होती। एक दफा इलेक्शन 8 फरवरी से आगे 10 दिन भी चला जाता ना तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन का होना आगे 8-9 महीने या साल तक बहुत नमुमकिन नजर आ रहा था। तो ये अच्छा हुआ है कि पहले भी इलेक्शन डिले हो रहा था, आइन के वायलेशन भी हो रही थी और इलेक्टेड गवर्नमेंट ये समझ, केयर टेकर गवर्नमेंट ये समझ बैठी है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हर वो फैसला ये कर रहे हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करना है। बाहर ये जा रहे हैं, वादे ये कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ये कर रहे हैं, कोई ऐसा काम बताए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का मैंडेट है आइन के अंदर वो ये काम नहीं कर रहे, सारे काम ये कर रहे हैं। तो अब एक ऐसी हुकूमत जो जिसके पास मैंडेट ही नहीं लोगों का तो वो मजीद कितना अर्सा चलेगी। पहले भी ये हर किस्म के काम कर रहे हैं तो अब अच्छा हुआ है कि 8 फरवरी की डेट सेटल हो गई है और इस पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि इलेक्शन अब क्योंकि शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है तो इसमें मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन भी जो है ना वो भी मुखा मुखा, हालांकि उसका मैंडेट यही है कि आप इलेक्शन कराएं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीफ जस्टिस, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, एक केस में मैं मौजूद था, फारों में 5 के जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन के इनको बुलाया, इन्होंने कहा जी आप सब हमें सिर्फ ये बताएं कि इलेक्शन होल्ड कराने के अलावा आपका और क्या काम है, तो सारे कोई जवाब नहीं दे सका। तो इनको 24 घंटे जो है ना थ्रू आउट द ईयर इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। ये क्या तुकबंदी के शेड्यूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करवा रही है। अच्छा ठीक है, आप ये लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया है, उन्होंने क्या फैसला दे दिया? देखें लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड किया है। अब देखें ना पूरे पाकिस्तान के अंदर 1100 रिटर्निंग डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंटिंग ऑफिसर है, तो आप भाई पूरे पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर पॉइंट है, सिंध के अंदर पॉइंट है, केपी के, आप इन सबको क्यों जो है वो आप कर रहे हैं विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन, उन्होंने ऑर्डर में भी लिखा है कि आप इन नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन के वो सस्पेंड कर रहे हैं। भाई इलेक्शन अगर किसी पीटीआई को उतराज हो सकता है, हर बंदे को उतराज हो सकता है, किसी पार्टी को भी, तो उसके इलेक्शन एक्ट के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है सेक्शन 55 सब सेक्शन 3 का कि आप एविडेंस के साथ जाएं इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, उनसे अपना जो है बताएं कि ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो है ये बायस्ड है, हम इस पे इतमाद नहीं है, ये एविडेंस है, इसके होते हुए इलेक्शन फेयर नहीं हो सकते। ठीक है वो 2 हैं वो 4 है, कहते जी लाहौर की डीसी हमारे खिलाफ एमपीओ के ऑर्डर निकाल रही है, अगर गुजरांवाला का डीसी या एमपी ऑर्डर निकाल रही है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का तो उसके खिलाफ एविडेंस ले आपने की ये बायस्ड है, ये हमारे इलेक्शन जो है इसके होते हुए फेयर नहीं आते। 2 आर ओ को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को, 4 को 5 को पूरे पाकिस्तान से, 6 को वो कहते जी ये नोटिफिकेशन में इनकी हद तक सस्पेंड करता हूँ, बाकी तो प्रोसेस चलता रहता ना। ये तो आप हर बंदा मान रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल ये एक्शन ना होता उसकी पार्ट पे या उसके आर्डर को सेटिसफाइड ना करती तो फिर इलेक्शन जो है 8 फरवरी को होना नामुमकिन था और फिर इसका सारा मलबा ये सुप्रीम कोर्ट पे डालते जी चीफ जस्टिस साहब छुट्टियों पे चले गए हैं, क्या जरूरत है छुट्टियों की, अभी तो वो चीफ जस्टिस बने हैं, छुट्टियों में काम नहीं करते, इतनी तनख्वाह लेते हैं, छुट्टियों की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा जो इंपॉर्टेंट काम था पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का, पूरी कौम को जो है वो इसमें लगा के तो चले गए हैं। ठीक बात ही, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी वजाहत कर दिया। आरफ सादिक साहब आप क्या कहते हैं इस मामले पर? मेरी सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि ये जो काम किया गया है इसमें पीटीआई के लिए तो मैं समझता हूं कि कोई इसके अलावा चारा नहीं था कि वो हाईकोर्ट को ही अप्रोच करते, अदालत को अप्रोच करते इस मामले में कि इलेक्शन के सिलसिले में जिसे आरओ मुकर्रर किया गया है वो सारे के सारे वो लोग हैं जो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट तो अभी कंटिन्यूएशन है पीडीएम की गवर्नमेंट की, तो उन्होंने 16 महीने वो और अब तक जो अर्सा गुजरा है इसमें पूरी कोशिश यही की है मुस्लिम लीग नून ने कि हर जगह अपने लोग जो है वो लगाए जाए और अपने भी इस तरह के लोग लगाए जाए
जो बाकायदा उनकी मर्जी के मुताबिक जो वो चाहते हैं वो करें। तो ये इस हद तक तो मैं समझता हूं अप्रोच करने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन दूसरी बात जो है कि जज साहब का मैं समझता हूं कि कंडक्ट जरा मुलाजा करे कि जज साहब ने इससे पहले तो कभी इतना मिस एडवेंचर तो नहीं किया और इतनी बड़ी दिलेरी नहीं दिखाई। मैं समझता हूं कि जो अब उन्होंने दिखाई, क्योंकि कहीं उन्होंने रिलीफ नहीं दिया पीटीआई को, 6 तारीख को पीटीआई की तरफ से एप्लीकेशन आती है और 12 तारीख को वो ये फैसला करते हैं और उन्हें पता भी है कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान क्या कह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में और ये जो फैसला हो चुका है, ये सब कुछ के बावजूद ऐसा अगर किया गया है तो मेरी राय बिल्कुल वाजे है कि उन्होंने इस मामले में किसी के कहने पे किया है, किसी को खुश करने के लिए किया है। और वो यहां तक के बल्कि इलेक्शन के बारे में भी उन्होंने अपनी राय दे दी साथ, कहा कि जी इलेक्शन जिसका फायदा कोई नहीं है, ऐसा इलेक्शन कराने से क्या मकसद हासिल होगा। यानी मतलब है कि इससे ये नहीं है कि सिर्फ वो आरओ की हद तक यानी फैसला कर रहे थे, वो तो इलेक्शन पूरा जो है उसके बारे में वो फैसला फरमा रहे थे कि ये इलेक्शन ना हो, लेकिन ये थी कि उन्हें एप्लीकेशन का बहाना जरूर मिल गया क्योंकि, और दूसरा ये कि 6 तारीख की एप्लीकेशन पे आप कब जाके कर रहे हो, उसके लिए जरूरी नहीं था कि आप यानी ऑर्डर सस्पेंड करते, उन्हें बुलाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उन्हें कहते कि जी आपने क्या किया है। चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट जो है वो मैं समझता हूं कि हर लिहाज से मैं इसे काबिले मुज़म्मत कहूंगा कि जब उन्होंने कहा अदलिया से रिक्वेस्ट की तो अदलिया ने कहा जी आप शेड्यूल दे दें हम आपको आरोप दे देंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे और तरीके से दिया और तरीका वही था। और फिर आखिर ये देखे कि आखिर तक इंतजार किया गया, अब कहा ये कब की ये बात है और 3 दिन तो पहले गुजर चुके थे, तो आखिरी शाम का इंतखाब किया गया चीफ जस्टिस साहब से रब्ता करने के लिए और उससे हुआ क्या, ये जो पीटीआई का मकसद था वो तो फौत हो गया। यानी पीटीआई जो चाहती थी कि आरओज जो है वो जुडिशरी से लिए जाएं वो तो खत्म कर दिया गया, और इस आड़ में कि चूंकि जनाब ये देखे क्या जुल्म किया जा रहा है, इलेक्शन को मुलतवी कराने की कोशिश की जा रही है, वो इसमें जनाब पूरे यानी तंत्राक के साथ और पूरे गुस्से के साथ इस तरह का फैसला किया गया, भाई आप जाने और चीफ जज साहब जाने, लेकिन ये कम अज कम ये ग्रीवस जो है पेटिशनर का उसे तो आप रिड्रेस करते, उसको आप रिड्रेस नहीं कर रहे, वो वहीं का वहीं खड़ा है और आपने कहा कि इलेक्शन, और ऐसे इलेक्शन जिसके बारे में आप देखें उनका ये बिला जवाब नहीं, और जो फरमा रहे थे मेरे दोस्त के जी आप ऐसे करते कि जनाब एविडेंस लेके जाते, इससे बड़ी एविडेंस क्या है कि केस टेकर गवर्नमेंट जो मरकज में मौजूद है उसके बारे में खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि उसके 6-7 लोग जो है वो वही है जो मुस्लिम लीग नून के हैं, और इसी तरह नीचे वाली केयर टेकर जो है उसके बारे में भी, लेकिन किसी चीज पे अमल भी नहीं हुआ। और ये आई बात की हैसियत रखती है जो इन्होंने बात की, यानी उस पर कोई अमल दरामद नहीं करवाया। और अगर इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन कंडक्ट करने हैं तो फिर तो वाकई ये सारी जो कार्रवाई होगी या जो आप कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं हम अदालतों तक ही अभी इसमें रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। सलाम अहमद सर क्या कहेंगे, दो लोगों की राय, माहरीन कानून है दोनों बड़े। तो अच्छी बात यह हुई है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुदाखलत की है और जो इबहाम पैदा हो गया था इलेक्शन के होने या ना होने के हवाले से उसको दूर कर दिया है। देखिए 3 बातें हैं, एक है इलेक्शन डेट का अनाउंस होना और वो डेट अनाउंस हो चुकी थी, एक था इलेक्शन का शेड्यूल आना, वो कल सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की बुनियाद पर सुप्रीम उसका इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आया है, यानी सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी है, ये याद रखिएगा। हमारे यहाँ देखिए कितनी बदकिस्मती है कि अदालतों को मुदाखलत करनी पड़ रही है। अच्छा मैं सियासी मामला दोनों हजरात से नहीं पूछ रहा, आपसे पूछता हूँ कि वो क्या करता इलेक्शन कमीशन जब आपने उनको रोक दिया है। देखिए जो कल सुप्रीम कोर्ट ने आरओस को ट्रेनिंग दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि अगर आरओस की ट्रेनिंग का मसला था वो तो कल भी हो जाती, परसों भी हो जाती, आप उसकी बुनियाद पे शेड्यूल कैसे जारी नहीं कर सकते थे, तो क्या किया फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, माफी मांगी ना, किस्म की एक्सक्यूज किया ना, और उनको वही करना पड़ा ना, आरओस की ट्रेनिंग तो नहीं हुई थी लेकिन इलेक्शन शेड्यूल देना पड़ा ना, तो यही इलेक्शन शेड्यूल वो पहले भी दे सकता था, ऐसा कोई इसमें कोई कानूनी नुकता नहीं था। बल्कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो मुझे लीगल पॉइंट बताइए, शिक बताइए कि जहां ये लिखा हुआ कि आरओस की या डीआरओस की ट्रेनिंग से पहले शेड्यूल जारी नहीं हो सकता, तो कोई पॉइंट नहीं था उनके पास, फिर उनको शेड्यूल जारी करना पड़ा और किया उन्होंने। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने भी बाज मामलात में बिला वजह की जो ना उसको डिलेइंग टैक्टिक्स किया, शेड्यूल जारी कर सकते थे, एक बात। अब तीसरा काम क्या है, वो इलेक्शन को कंडक्ट करना,
जो इलेक्शन कमीशन ये अपना रहे हैं, लेकिन ये जो हाई कोर्ट लाहौर वाले ने किया है वो लाहौर हाई कोर्ट में तो आरिफ चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की ना, इतराजात तो मुझे भी बहुत है जो इस वक्त इलेक्शन के हवाले से हो रहा है। अब पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है, यानी आपके निगरान वजीर आजम, निगरान वजीर, वजीर आला, इंटीरियर मिनिस्टर, पंजाब के वजीर इतलात, सब एक पीटीआई बैशिंग के अंदर लगे हुए हैं। भैया निगरानों का काम तो नहीं है कि वो एक पार्टी को बैश करें, और ये डीसीओस के काम है कि वो दफा। अब देखिए कल इन्होंने ये निगरान का हमने लगा क्यों दी है सर, सबसे बड़ी बदबख्त दुनिया में ये सब पाकिस्तान में ही है। अब जो हमें सीखना चाहिए ना, आइंदा कभी भी इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट की निगरानी में नहीं होनी चाहिए। आप इसको मुस्तकिल जो गवर्नमेंट होती है वही इलेक्शन करवाए, इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाए, सियासी निजाम को खुद मुख्तार बनाए, इदारों को मजबूत बनाए, ब्यूरोक्रेसी वगैरह को वही चेंज करे। इसकी वजह यह है कि देखिए इंडिया में भी हो रहा है ना, इंडिया में भी ये सब कुछ होता है, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इलेक्शन करवाती है। तो ये जो केयर टेकर हैं, इनकी तो सिलेक्शन से लेकर इनके कंडक्टिंग तक सबके ऊपर इतराजात है। और अब जो इतराज आ रहा है, जो सबसे बड़ा इतराज आ रहा है, वो इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी का है। यानी अब आप देखिए ना, वो कह रहे हैं, वजीर आजम कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, और इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, चीफ मिनिस्टर कह रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है। अब सबको पता है किसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है और किसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब कल चौधरी मंजूर साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने इल्जाम लगाया कि पंजाब के अंदर जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो सारी पीएमएलएन की मर्जी के साथ रखी जा रही है। तो ये जो सारा का सारा सिलसिला है, इसकी निगरानी में कैसे इलेक्शन के पास होंगे? सवाल पूछा भी गया कि जरदारी साहब कहते हैं कि पंजाब का वजीर आला मेरा बेटा है, वो तो उन्होंने कह दिया ना कि बेटा जो है अगर मेरा है, लेकिन इस वक्त वो किसी और के कंट्रोल में है, वो आपको भी पता है। चले एक वक्फा लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इस मसले पर। जी एक वक्फा नाज़रीन कराम, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन कराम, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कल जो वाकयात हुए, इलेक्शन की जो डिले की मसला था वो तकरीबन साल हो गया वक्त पे होते दिखाई देते हैं। आरिफ चौधरी साहब, ये तो हो गया, आपने बात कर दी, अब आपको लगता है कि इलेक्शन वक्त पे भी हो जाएंगे, और वक्त पे इलेक्शन होने के बाद की जो सूरत हाल होगी, लोगों को तस्लीम कर ली जाएगी, या वही जो हमारे यहाँ टंटा बना रहता है कि हम साफ शफाफ, और उसके बाद जो हार जाता है वह चीखन दाड़ करता है, क्या सूरत हाल है? मीर साहब, इलेक्शन तो जाहिर है कि आप हमें तो होते हुए नजर आ रहे हैं, और इस पे शक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब गुस्से में है, हमें पकड़ ना लें हम अगर उस पर कोई शक का इजहार करेंगे। इसलिए इलेक्शन की तारीख के मुताबिक तो इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असल बात जो आपने सवाल किया है वो है असल क्रक्स ऑफ द मैटर। क्रक्स जो है वो ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन मुनक्कद किए जा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि आपने सारी की सारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन से लेकर केयर टेकर्स तक, जिस तरह मेरे भाई आबिद साहब ने कहा है, सारी की सारी इस काम पे लगी हुई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम तहरीक इंसाफ है उसे आपने मैदान से आउट करना है, और हर सूरत में आउट करना है। उसके लिए आपको जो कदम उठाया जा सकता है वो उठाएं। तो इस तरह का इलेक्शन पूरी दुनिया तस्लीम नहीं करने के लिए तैयार। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन अगर आपने कराने हैं, सबसे पहले आजाद करें उनके तमाम लोगों को, और उसके बाद उन्हें मौका दें। अब आप मुझे ये बताएं कि सारे उनके जो कारकुन हैं हजारों के हिसाब से पीटीआई के, वो अंदर किए हुए हैं, वो उन्हीं वही कैंडिडेट्स थे, उन्होंने ही कैंपेन चलानी थी। और उसके बाद अब ये है कि कोई किसी को जलसा तक करने नहीं दे रहा है। अगर कोई जलसा 100 by 100 के कल पीटीआई के वो जो मरमत साहब थे वो वहां गए लाहौर हाई कोर्ट, तो लाहौर हाई कोर्ट से पकड़ लिया गया। एक तो ये बात भी मुझे बड़ी तकलीफ दे रही है कि जो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिवायत कायम कर दी चीफ जस्टिस साहब ने कि जनाब लोगों को आप हाई कोर्ट के अंदर से भी पकड़ सकते हैं, तो ये बात ओवरऑल भी तकलीफ दे है, और इस इलेक्शन के हवाले से तो और ज्यादा परेशान कौन है कि ये सारे का सारा अमल जो है लोग पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के इलेक्शन ये जो है ये सिर्फ पाकिस्तान, ठीक बात, आपने ट्रांसपेरेंट करना है, अगर नहीं करते तो नतीजा आपको बिल्कुल ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल होगी, इससे आपके पैसे भी जाया हो गए, मईशत को और धचका लगता यही है, और मुसीबत में पड़ गया। ठीक बात, हमारी खुशकिस्मती है जस्टिस शायक उस्मानी साहब हमारे साथ लाइन में मौजूद है। जी हम उनसे बात करते हैं। उस्मानी साहब सलाम अलैकुम। भाई साहब कैसे जनाब? अच्छा हम बात इस पे कर रहे हैं, जरा आप चूंकि लेट हम आपको शामिल कर सके तो आपसे हम पूछना चाहते हैं, ये जो कल चीफ जस्टिस साहब ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया, फैसला किया लाहौर के जो एक हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला दे दिया था जिससे इलेक्शन की तारीख में गड़बड़ होने का अंदेशा था, कैसे देखते हैं इस सारे प्रोसेस को आप?
देखिए बात यहाँ पे ये है कि हमेशा हर इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर्स पे ऑब्जेक्शन होती है। ठीक है, सलमान साहब लाइन कुछ गड़बड़ हुई है तो आप देखिए बात ये है कि जिसे भी शाहिद उस्मानी साहब कह रहे थे ना, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन से पहले इंतखाबी धांधली का शुरू हो जाता है और जो सियासी जमात समझती है कि वो मुश्किल में है वो कह देती है कि जी इंतखाबात में धांधली की जा रही है। फिर जब इंतखाबात हो जाते हैं और इंतखाबात के नतीजे आ जाते हैं तो जीतने वाले इंतखाबी नतीजे को कबूल कर लेते हैं, हारने वाले धांधली का शोर मचा देते हैं और उसी के ऊपर फिर सियासी बहरान पैदा होता है। इसीलिए कोई पार्टी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसने इलेक्शन हारने के बाद खुले खुले ये कहा हो कि वो इलेक्शन हारने का एतराफ करती है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें सियासी इंजीनियरिंग भी है, उसमें सियासी मुदाखलत भी है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े मसाइल भी हैं, उसमें जुडिशी से जुड़े मसाइल भी हैं। अब इसको ठीक किसने करना था? आपकी पॉलिटिकल फोर्सेस ने। आपको याद है ना 2014 में जिस वक्त धरना हुआ था उस वक्त से इलेक्टोरल रिफॉर्म की लाइन कट गई थी। आप क्या फरमा रहे थे कि ये जो फैसला उन्होंने किया ये ठीक था, ऐसे ही होना चाहिए था? जिस तरह गड़बड़ हो रही थी, लोगों में शकूक पैदा हो रहे थे कि इलेक्शन पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तो इससे आप कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? जी नहीं, देखिए इलेक्शन तो अब हो जाएंगे क्योंकि फाइनल ऑर्डर हो गया, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड हो गया, तो इलेक्शन तो हो जाएंगे। लेकिन मेन इश्यू जो था वो ये था कि आरओ कहां से आएंगे, ठीक है, क्या वो जुडिशरी से आएंगे और क्या वो ब्यूरोक्रेसी से आएंगे। तो जहां तक के इलेक्शन कमिश्नर की बात थी, उसने तो ब्यूरोक्रेसी से आदमी सिलेक्ट किए हुए हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन जो पीटीआई जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी वो चाहते थे कि जुडिशरी से आरोज हों। तो अब यकीनन जब इलेक्शन होंगे तो उसमें वो ये शोर शार मचाएंगे और कहेंगे कि जी ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं ये सब बिके हुए हैं और ये इनके फेवर कर रहे हैं और लाडला एंड ऑल दैट होंगे। तो जो इलेक्शन होंगे वो सस्पेक्ट होंगे, शोर शराब मचेगा, उसको एक्सेप्ट को नहीं करेगा। ठीक बात जी, बिल्कुल ठीक, बड़ी वजाहत के साथ बात की है सलमान साहब। जस्टिस साहब ने बात तो बड़ी वाजह कर दी, क्या कहेंगे? मैं ये कहता था 2013 में के इलेक्शन के बाद जब 2014 में धरना हुआ तो आपको याद होगा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए 36 रुकनी कमेटी बनी थी, ठीक है, पार्लियामानी कमेटी, उसमें पीटीआई भी शामिल थी। उसके बाद भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ी बात होती रही। अब आप 2013 से शुरू हो जाए और 2023 पे आ जाए, इन 10 वर्षों में हमारी सियासी जमातों ने या सियासी हुकूमतों ने क्या ऐसी इंतखाबी इस्लाहात कर ली जिसकी वजह से आज इलेक्शन के बारे में ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं ये ना उठते? मतलब ये तय हो जाना चाहिए था कि इलेक्शन जो है किन के मातहत होंगे, आरओस कौन होंगे, डीआरओस कौन होंगे, इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी कितनी होगी, इलेक्शन की डेट कौन अनाउंस करे। यहां तो ये भी फटा पड़ गया कि सदर ने डेट देनी है या इलेक्शन कमीशन ने फट दे दी है। यानी इस किस्म की एम्बिग्युइटी हमने क्रिएट कर ली है कि हमने अपने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को खुद ही मुतनाजा, कॉन्स्टिट्यूशन को मशकूक कर दिया, उसको मशकूक कर दिया और मुतनाजा बना दिया सारा। ठीक ठीक, बात अब बड़ी क्लियर हो गई जी, बात बिल्कुल वाजह हो गई नाज़रीन कराम। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और हम 16 दिसंबर के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, सकूत ढाका पर भी और खासतौर पर आर्मी पब्लिक स्कूल पर भी, दोनों मसलों पर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद एक दूसरे पैनल के साथ। सलमान अबद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एक वक्फा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, वैसे तो ये हिस्सा हमने 16 दिसंबर के हवाले से मखसूस किया हुआ है। 16 दिसंबर को दो वाकियात हुए हैं जो हमारी तारीख के बहुत ही तशवीशनाक वाकियात हैं। एक तो सकूत ढाका और जिसको इसने पाकिस्तान को तोड़ के रख दिया और जिसको हम सकूत बगदाद और सकूत करतबा कह लीजिए, गर्नाता कह लीजिए, और सकूत दिल्ली के बतरादफ समझते हैं, उसके बराबर समझते हैं। उसके कई वाकियात हैं उसका जो अभी तक हम उसका तजिया नहीं कर पाए। और दूसरा आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो हमला हुआ था और जिसको अब शायद हम भूलते जा रहे हैं या कभी कभी याद कर लिया करते हैं, ये दो ऐसे वाकियात हैं जिसका मैं अलग से तज़किरा करना चाहता हूं। आज हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो कि इस वक्त निगरान वजीर दाखिला हैं सिंध के, वो होंगे, और ब्रिगेडियर गजफर अली साहब दफाई तजिया नगार, वो भी हमारे साथ होंगे, और स्टूडियो में सलमान अबद साहब तो मेरे साथ मौजूद हैं ही, वो भी हमारी रहनमाई करेंगे। पहले मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से बात करता हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मशरकी पाकिस्तान की जो सारा हवाला है पूरी कौम पता नहीं अब तो फरामोश करती जा रही है, और फिर आर्मी पब्लिक स्कूल की बात तो मैं बाद में करता हूँ, आपको क्या लगता है कि हमसे कहाँ कोताही हुई कि हम, यानी कि कोई वाकया इतना बड़ा सानिया हो जाए तो कौमें उससे बहुत सबक सीखती हैं, हमने सबक क्यों नहीं सीखा इसका?
देखिए मीर साहब, बात यह है कि जाहिर है कि इसमें बहुत गलतियां थी और खास तौर पे गलतियां जब आपने मेजोरिटी वोट का अपने एहतराम करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, और हमें तो सोचना चाहिए था कि या आपने जैसा वन यूनिट बनाए अगर वोट कर रहे हैं तो पता मेजोरिटी किस साइड की है वो हमें ख्याल करना चाहिए था। उसके बाद फिर उसके बाद भी हमें रियलाइज करना चाहिए था कि वहां पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितना लॉजिस्टिक्स है, कहाँ से हमारे ट्रुप्स आएंगे, कहाँ से वेपन एमिनिशन जाएगा, कैसे लॉजिस्टिक को सस्टेन किया जाएगा। देवर 101 रीजन, लेट मी टेल यू द फ्रॉड द ट्रुप्स दे फॉर गैलेंटी, लेकिन इन्वायरमेंट जब आपके खिलाफ मुक्ति बानी और इंडियन फोर्स को ट्रेन कर रही है, फिर एक क्रिएट किया गया फौज खिलाफ रिटर्न क्रिएट की बाय डिजाइन, इंडिया ने सारा कुछ प्लान करके किया एंड वी कॉल फेल प्रे टू दैट। ये एक इंसिडेंट है जो हम कभी फरामोश से करते, जाहिर है कि आप अपने मुल्क का एक हिस्सा आप अपने आबादों तोड़ दें या आप चाहते तो वो आप कैसे भूल सकते हैं, आई एम श्योर। लेकिन आई थिंक अब हमें मूव फॉरवर्ड करने की बात है कि बांग्लादेश बन चुका है, मुल्क बन चुका है, और हमें इंडिया ने भी कैसे किया, अगर आप उनके रियलाइजेशन काफी हो गई है कि वो उन्होंने बहुत गलतियां की हैं कि इंडियन का ताल्लुक रखा है और वो जिस तरीके से उनको मिस यूज करते रहे, ब्लैकमेल करते रहे, आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें ठीक होनी चाहिए। बट ये बहुत बड़ा सानिया है और बेस्ट ये है कि हमें अभी सबक सीखना चाहिए, बिकॉज अगर अभी दोबारा फिर वही हालात हो रहे हैं, यू मस्ट रियलाइज व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ आर हॉस्टाइल एजेंसीज का, हॉस्टाइल ममालिक का, कि वो पाकिस्तान को अभी भी खुदा ना खासा और छोटे से हम तकसीम करना चाहते हैं। इसीलिए आज हमें एक फैसला करना चाहिए कि वी स्टैंड यूनाइटेड विद आवर मिलिटेंट आर्म फोर्सेज, और फौज और अवाम पे जो गठ हो रहा है, जो एक ट्रस्ट है, इसको और इम्प्रूव करें एंड लेट द एनिमी नेगेटिव डिफीटेड, कि वो चाहते हैं कि फौज और अवाम को जो एक एतमाद है, फौज स्ट्रांग है, इसको कमजोर करे, फौज को दूर करके, तो ये और बाकी फेडरेशन को फिर हम कमजोर करें, खुदा ना खासा पाकिस्तान के दोबारा और इसे करें। ये आज हमें अहम करना चाहिए पूरी कौम को, आप समझते थे ये मैं भी पैगाम ये पूरी कौम के लिए कि यूनाइट हो, कुछ मामलों में नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कभी डिवाइड मत हो, मुसल्ला पाक ताकत आप हैं, यू फाइट एज अ नेशन, इसलिए आज ये अहद करें और इस पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि अभी हम सबने सबक सीखा है उसको हमने आगे लेके इसको हल करते। ठीक बात जी, ठीक बात। सलमान अब्बास साहब, बड़ा यानी जाहिर है कि हमारे तो गोया खून में शामिल हो गया था, जब हमारी गोया ग्रोथ हो रही थी तो हमने ये वाकया देखा, पाकिस्तान बनते तो नहीं देखा लेकिन टूटते देखा है, कैसे आपको इसका अब एहसास भी होता है? हारिस नवाज ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, अमूमी तौर पे मीर साहब इस तरह के जो सानियात होते हैं उनसे सबक सीखा जाता है कि दोबारा ये रिपीट ना हो और दोबारा हमारे साथ ये जुड़े ना। अब उसका जो वाहिद तरीका है कि हमें अपने मुल्क का निजाम जो है उसे इतना मजबूत बनाना है कि हम सियासी बुनियादों पर, माशी बुनियादों पर, कानूनी बुनियादों पर, इंतजामी बुनियादों पर और इंसानी बुनियादों पर एक मजबूत रियासत में ढल सके, और जब आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे तो फिर आप रीजनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का जो मुकाबला है वो कर सकते हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन कुवतें हैं उनको आप निमट सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ जब आप इंटरनली वीक होते हैं और आपके इदारों के दरमियान एक रस्साकशी शुरू हो जाए, वो सियासी हो, सियासतदानों के दरमियान, वो ब्यूरोक्रेसी के दरमियान, वो जुडिशरी के दरमियान, वो एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का टकराव, एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों का टकराव, मीडिया की महाजराई, तो ऐसे में और फिर आपकी मईशत बहुत कमजोर हो तो फिर ऐसे में इसका फायदा जो है वो दुश्मन फोर्सेज उठाती हैं, क्योंकि दुश्मन फोर्सेज हमेशा से वैक्यूम के अंदर से अपना रास्ता निकालती है ना, जो खला होता है उसका रास्ता निकालती है। तो आज मैं समझता हूं कि जो सकूत ढाका है और सानिया एपीएस है, इसका जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक रिकंसिलेशन की जरूरत है, और एक ऐसी तमाम स्टेक होल्डर बैठे और कुछ 10-15 साल के लिए ठोस बुनियादों पर प्लान करें कि कैसे हमने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, और उन गलतियों को, उन एडवेंचर्स को, उन मुहिमजोई को नहीं करना जिससे पाकिस्तानी रियासत को में करते रहे, यही हमें करना पड़ेगा और इसी के ऊपर चलकर हमें अपना रास्ता तलाश करना चाहिए। ठीक है, ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी हमारे साथ शामिल हो गए, मैं उनसे भी, साहब हम बात कर रहे हैं एपीएस के बारे में, बात अगले सेकंड में बात करेंगे, स्कूत डाका के हवाले से क्या फीलिंग आती है इस वक्त? मुझे तो वो दिन याद है जब मैंने मार रोड पर लोगों को देखा था और किस तरह वो उस वक्त भी एक शदाई हो रहे थे फौज के लिए, जो लोग सरहद की तरफ वागे की तरफ जा रहे थे उनके किस्से वारी होते जा रहे थे, क्या क्या हुआ था हमारे, क्या सारा किस्सा कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, बात ये है कि दो चीजें होती है जो किसी भी इंफॉर्म को
एक झंडे के तले रखी है। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान की कौम जो है, मैं आम आवाम की बात करता हूं और जो रियासत का सतून होते हैं वो हमेशा यूनाइटेड रहे, उनकी सोच हमेशा यकसुई के ऊपर रही है और वो यकसुई रही है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हिसाब से और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के हिसाब से। अगर उसको खराब किया है, और यह तारीख के जब औकात पढ़ेंगे और जब आपको पता चलेगा कि आपके पहले 7 प्राइम मिनिस्टर को एक एक साल और एक एक दिन के नोटिस के ऊपर घर भेज दिया गया था, और फिरोज खान नून जिसने पाकिस्तान को गवादर का तोहफा दिलवाया था, उनको अगले दिन ही सिकंदर मिर्जा ने लेटर लिख दिया था और लेटर ऑन रिकॉर्ड है कि आई एम सॉरी यू आर नो मोर दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसके हिसाब से आप जब आगे चलते जाएंगे और आगे चलते चलते आप मुख्तलिफ अदवार में सान, आप 65 की वॉर में गए, 71 की वॉर में जब हम गए तो लोग बड़े कंसर्न थे, हम तो स्कूल में थे, हमें बहुत पेन था, कॉलेज में थे हम उस वक्त, लेकिन उस वक्त अगर आप तारीख को उठा के पढ़ेंगे तो आई एम सॉरी टू से उस तारीख के अंदर आपको अपनी लीडरशिप का किरदार बड़ा नेगेटिव और बड़ा बहुत ही दर्दनाक नजर आएगा, बहुत ही शर्मनाक नजर आएगा, क्यों? वो लीडरशिप तमाम टीयर की लीडरशिप थी, यानी आर्मी की लीडरशिप यहिया खान के पास थी, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ आप जानते हैं। फिर भी यहाँ पे रस्सा कशी थी जिसमें जनाब भुट्टो साहब भी सारे फरिश्त थे, और भुट्टो साहब का जो नेक्सस है और उनका जो लिंकेज है, वो जो उस वक्त की हाई कमांड थी, जन यहिया गए ढाका गए और ढाका से वापस आ गए, मुजीबुर रहमान कैद था, मुजीबुर रहमान को जाके भुट्टो साहब ने बताया कि जी ईस्ट पाकिस्तान तो अलग हो गया, तो वो हैरान हो गया था ये अब किताबों में लिखा हुआ है या तारीखदानों ने गलत लिखा है या हम गलत कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ उस वक्त अवाम बेचारी का कोई फॉल्ट नहीं था, हाँ हमने हमारी लीडरशिप ने किसे हुआ क्या, जो चीजें ब्रू अप हो रही थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, हम आज एज ए नेशन आज भी खड़े हुए हैं, लोग आज हमें लोगों को बताने की जरूरत कम है, लोग आज भी इदारों के पीछे खड़े हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ा जो ओनस आता है वो होता है आपकी उस वक्त की अर्ली उस टाइम ब्रैकेट में जो लीडरशिप होती है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होती है। और आपको पता है कि ये यहिया खान ढाका से फ्लाई करके आ गए थे, मीटिंग हो रही थी, उन्होंने किसी को बताया भी नहीं और वो वहां से उन्होंने झाड़ दिया और वापस आ गए। फिर आपने देखा जो इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट क्या था, अवामी लीग ने कितनी सीटें जीती, पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें, पीपल्स पार्टी की अत्तुल मक्का भुट्टो साहब की कोशिश थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने हर हाल में, चाहे मेजोरिटी है या नहीं। अब इसमें अवाम का क्या कसूर, अवाम ने तो वोट डाल दिया था, अवाम तो आज भी अपने अदारों के पीछे खड़ा हमेशा खड़े होते हैं, आम आदमी की सोच तो हमेशा नेशनलिस्ट सोच होती है, इसके अंदर अगर कोई अदगन डालता है तो वो होती है उस वक्त की, यानी उस टाइम ब्रैकेट की जो लीडरशिप होती ठीक है बात, आपको उसके करेक्टर को देखना बहुत जरूरी होता है। और ये उस वक्त की लीडरशिप थी, उस वक्त भी पाकिस्तान ना जाता, बहुत सारी बातें हो सकती थी, तारीख बहुत सारी बातें हो सकती थी, आप नेगोशिएशन में जाते हैं, हालांकि बंगाली जिस तरह खिलाफ हुए थे उसको किसी ने आज स्टडी किया कि बंगाली क्यों खिलाफ हुए थे, बावजूद इसके कि आपने वहां कर्णफुली पेपर मिल लगाई, बावजूद इसके आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई, बावजूद इसके कि वहां डेवलपमेंट करने की कोशिश की, लेकिन बंगाली पाकिस्तान में आता तो ये कहता था इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतर के कि यहाँ पटसन की बू आती है, पाकिस्तान ने जिस तरह अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो उसको किसी ने स्टडी किया कि इंडिया वहां क्या कर रहा है, किसका काम था वो स्टडी का, अवाम का काम तो नहीं था वो स्टडी। ठीक कह रहे हैं साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम एक आखिरी गुफ्तगू करेंगे, इस पर भी करेंगे, एपीएस के सानिया पर खासतौर पर गुफ्तगू करेंगे, वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम अब खास तौर पर सानिया एपीएस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, वैसे तो सानिया ढाका और सब चीजें हमारी सियासत के साथ मिली जुली हैं। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर हर्ष नवाज साहब, आप सिंध के वजीर दाखिला हैं, निगरान, इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क अंदरून मुल्क जो है वो दहशतगर्दी का है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, कराची में भी खास हद तक है, सिंध के बहुत से कच्चे के इलाकों में भी है, इंटीरियर सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, और ये एपीएस से खास तौर पर हमने बहुत से वादे किए थे, बहुत सी प्लानिंग की थी, कौमी एक मनसूबाबंदी की थी, कहां हम नाकाम हो रहे हैं? देखें मीर साहब, हमें हम जब बात करें, बाकी सबक अभी भी नहीं हमने सीखा,
2020 में हमने मुल्क में टेररिज्म खत्म कर दिया, उसके बाद अमेरिकन वहां पर एमुनिशन वेपन छोड़ के गए, तालिबान आगे भी थॉट के वो हमें बड़े सपोर्ट करेंगे, बट इन पे अदर वे कमिटमेंट के जहां पाकिस्तान में अपनी जमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अफगानिस्तान तालिबान ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा, दबा के किया, और आपके सामने हिंदुस्तान में जो हो रहा है और केपीके में जो हो रहा है हमारे सामने जैसे मरे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सबक नहीं सीखते हैं। इतना बड़ा सानहा हुआ, उसके बाद हमें मिलिट्री कोड सुना दिए, नेशनल एक्शन प्लान बन गया, उस पर क्यों बनी नेटा अभी भी आपको फाल क्या नजर आता है, क्या उसकी उस तरह की हैसियत है जो होनी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइज सेटअप बनाया गया वो भी नहीं किया गया। फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट बने, दो साल उसके बाद स्टैंड किए एंड देन वी फिनिश, वो जो ऐसे मुजरिम थे उनको छोड़ दिया गया पेशावर हाईकोर्ट में, और अभी भी हम मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं। अब जाके कहीं से बड़ी बहुत बड़ी बात हुई है कि डिसीजन हो गया जी के मिलिट्री कोर्ट होंगे, वरना आपके सामने एक डेढ़ साल लगे इसके ऊपर भी नहीं फैसला हो सका। तो नेशनल इश्यूज के ऊपर हमें अभी ये कहीं ना कहीं यूनाइट इसको आइंदा के लिए मूव फॉरवर्ड सजाएं जल्दी दें और वो एग्जाम्पलरी दें, ताकि लोगों को पता चले क्या जो करेगा उसके बाद क्या सजा दिया। ठीक बात जी। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप क्या कहते हैं सिलसिले में जी, एपीएस के बारे में खासतौर पर जी? एपीएस का साजिया की इंटेंसिटी और उसकी तकलीफ का तो आपको पता है, लेकिन बात वही है कि एपीएस के सहने के बाद होना ये चाहिए था, और जो हुआ उसमें कुछ नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में हुआ, अदरवाइज तो एक स्टडी होनी चाहिए थी कि एपीएस का सहनिया हुआ क्यों और उसके अंदर कहां कहां पे वो सिक्योरिटी लैप्सेस थे जिसकी वजह से वो सहनिया पॉसिबल हुआ। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसकी 14 क्लॉजेस थी, जैसे आरएसआर ने कहा, ब्रिगेड आरएस ने कहा कि नेक्टा बनना था, नेक्टा बना, नेक्टा को दफ्तर नहीं दिया गया। नेक्टा का पहला डीजी मुझे याद है तारिक परवेज साहब थे, उन्होंने एक दिन बताया कि जो उनसे एक डेलीगेशन मिलने आया बाहर का काउंटर टेररिज्म के हिसाब से, तो वो बेहोश हो गया वहाँ के, क्योंकि उनके दफ्तर में एसी नहीं लगा हुआ था और कोई थर्ड फ्लोर पर इस्लामाबाद में उनका दफ्तर था, पैसे नहीं दिए गए। फिर ये बताया गया था कि नेक्टा के जरिए काउंटर टेररिज्म प्लान बनाया जाएगा, वो क्या आपने आज तक वो काउंटर टेररिज्म प्लान की कोई शक्ल देखी है? उसकी जब आप एक प्लान बनाते हैं, अब आर्मी ने तो अपना ऑपरेशनल प्लान बनाया हुआ है, उस ऑपरेशनल प्लान के थ्रू वो आईपीओस करते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, वाइड स्केल ऑपरेशन करते हैं, नैरो ऑपरेशन करते हैं, टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इस किस्म की, जिस किस्म की जंग में अब हैं, जहां आपके परसों आपके 24 जवान शहीद हो गए, एक वो एक्सप्लोसिव लेडन गाड़ी ने आके एक चेक पोस्ट के ऊपर मारा है, जहां आपका जोब का अटैक हुआ है, जहां पे आपके पेशावर में मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था, 23 अभी दो दिन पहले हुए हैं, 23 जवान शहीद, वही 24 शहीद हुए हैं डेरा इस्माइल खान में। जी जी जी, सब बात की जरूरत की समझ की है, और कोई समझ जाए। इससे पहले जब एपीएस का मामला हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आगे कह दिया था, और मुझे अभी तक वो याद है कि जी हमारे अंदर टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस है। भाई क्या जीरो टॉलरेंस है, बट व्हाट डू यू मीन बाय जीरो टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस का मतलब तो यह था कि इसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप मुझे बताइए, आप मुझसे बड़े साफी है, मतलब मैं तो साफी नहीं हूँ, आप बहुत नॉलेज है आपकी, कोई प्लान बना, कोई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनी, कोई इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाई गई? अब ये काम जो होता है आप याद रखिए, ठीक बात, इस पर क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, ठीक बात, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है, और जब वो नहीं बनी, आज तो आप निगरान लीडरशिप है, ये तो कुछ नहीं कर सकती ना, दे हैव नो ओनर्स टू डू एनीथिंग, ठीक बात, एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है, वो तो निगरान हुकूमत की तो एक टिपिकल काम होता है जो उन्होंने करना होता है। ठीक, जब आपके पास कोई भी साहब स्ट्रेटेजी ही नहीं है, तो दुख की बात है कि आपके लोग शहीद होते रहेंगे और हम उसके ऊपर जो है कहते रहते नोहे पड़ते रहेंगे, यही होता रहता है जी। सलमान अहमद साहब, आप क्या कहेंगे जी? देखिए, बात अभी ब्रिगेडियर गजनफर ने भी की है, हारिस नवाज ने भी की है, एपीएस के वाकये के बाद जिस तरह से हमारी पॉलिटिकल और सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान एक हमांगी के साथ नेशनल एक्शन प्लान को बुनियाद बनाकर हमें जिस तरह से काम करना चाहिए था, गैर मामूली काम, वो हमने नहीं किया। और फिर आप देखिए कि उसके बाद जो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस था, वो इतना ज्यादा पोलराइज हो गया, इतना ज्यादा डिवाइड हो गया, इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उसका नतीजा भी ये मिला कि जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमने इदारा साजी पर तवज्जो नहीं दी, हम एक दूसरे को नीचे गिराने के अंदर लग के रह गए, तो उसका फायदा फिर टेररिस्ट फोर्सेज उठा रही हैं। अब ये TTP जो है,
जो हमारे लिए एक दर्द सर बन गई है, वो इसीलिए फायदा उठा रही है ना कि पाकिस्तान के अंदर एक वैक्यूम है, पाकिस्तान में एक कमजोर निजाम है। जब तक आप इसकी इस्लाह नहीं करेंगे, एक मजबूत सियासी निजाम की तरफ नहीं जाएंगे, आप किसी तरीके से भी टेररिज्म को डील नहीं कर सकेंगे। ठीक बात जी, ठीक बात जी। नाज़रीन कराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, हमने सकूत ढाका पर बात की, APS के साने की बात की, आज 16 दिसंबर तक हवाले से, और उससे पहले हमने उस सूरत हाल पर भी बात की जो पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन के हवाले से खास तौर पर कल पैदा हुई चीफ जस्टिस साहब के फैसले के नतीजे के तौर पर। यही हमारी सूरत हाल है, यही हमारा नक्शा है, यही हमारा बहरान है, और हमें इसी से निपटना है। खुदा करे हम ऐसा कर सकें। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।